वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। पावर आईसी से रिलेटेड वीडियो पर आज हम काम कर रहे हैं, लैपटॉप सॉरी मोबाइल का। ये वीडियो नंबर 4 है। तो इस चौथे वीडियो में मैं आपको पावर आईसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि पावर आईसी पर जो वोल्टेजेस होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। लगभग 4-5 प्रकार के वोल्टेजेस आते हैं, जैसे 6357। और हमने आज कौन सी आईसी देखना है, आज हमने देखना PM439। ये आईसी मैं आपको अभी दिखाता हूँ, इसको चेक कराता हूँ और इसकी सारी चीजें आपको क्लियर कराता हूँ। तो जैसे अगर बात करें तो जैसे इसमें आपको 0.8 से 0.8, 0.8, 0.8, 1.2, 1.2, 1.2 के बीच ये वोल्टेजेस मिलते हैं। तो कुछ नेटवर्क के लिए होते हैं, कुछ सीपीयू के लिए होते हैं, कुछ कोर होता है, कुछ मॉडेम होता है, कुछ हायर एलडीओ होता है। तो वो चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको आईसी पर ले चलता हूँ। हमारे पास जो आईसी है वो है आपकी PM439 आईसी, और इस आईसी पर हम पूरा देखने जा रहे हैं। ये मैं अभी माइक्रोस्कोप में भी आपको दिखाऊंगा। तो ये आईसी है PM439, ठीक है। इसको अभी हम माइक्रोस्कोप पे भी देखेंगे तो सारा क्लियर होगा। अब इसमें मैं आपको पहले समझा दूं कि किस तरह से काम होता है। तो वो करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर कॉपी में आते हैं, और कॉपी में मैं आपको क्लियर कराता हूँ कि क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो PM439 होती है ये कैसे काम करती है, वो देखिए आप ध्यान से। ये जो PM439 आईसी है ये कुछ इस तरह से होगी। इसमें आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दो कॉइलें साथ में होती हैं, ठीक है। और इन दो कॉइलों पर क्या, ये सब आउटपुट बक कॉइलें होती हैं, ठीक है। ये दोनों एकदम जुड़ी होंगी, और जुड़ने के बाद इन कॉइलों में क्या होगा, इस तरह से ये निकालेगी यहां से एपीसी। एपीसी यानी होता है एप्लीकेशन कोर। अब यहां पर आएगा 0.8 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद अगर और देखें तो यहां पर आएगा एक और कॉइल होगी जो होगी एचएलडीओ। एचएलडीओ पर होगा 2 वोल्ट। फिर एक और होगा जिस पर होगा आपका लो एलडीओ होगा 1.2 वोल्ट। फिर होगा मॉडेम पर होगा 0.8 वोल्ट, ये नेटवर्क के लिए। फिर होती है मेमोरी सप्लाई, ये भी सीपीयू पे जाती है, 0.8 वोल्ट। तो ये सारी सप्लाई हमें चेक करना आना चाहिए। इसके अलावा कोर वोल्ट, ये भी होगा 0.8 वोल्ट। तो ये मैं आपको पूरा चेक कराता हूँ कैसे क्या होता है। ये चलते हैं अपन इसमें, तो आइए देखें इसको पकड़ो। तो सबसे पहले यहां पर मल्टीमीटर को आप देख लें, इस तरह से ले लें, और इसको आप क्या करें, पूरा प्रॉपर तरीके से चेक करना है। तो हमने इसको क्या किया, ये पावर आईसी है, ये पावर आईसी अभी माइक्रोस्कोप पे भी रख के देखेंगे। पहले मैं आपको वोल्टेजेस चेक करा दूं। ये देखिए, ये यहां पर एसएमडी चालू है, हाँ वोल्टेज डीसी चालू करो, डीसी इधर दिखाना, डीसी चालू करो जल्दी। अब हम इस पे वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये चीज तो आपको क्लियर हुई, यही चीज हमें पूरा इसमें चेक करना है। चालू कर देना, डीसी चालू हो गई, रखो। पकड़, वोल्टेज इन हो रहे हैं, इसको ग्राउंड पे रखते हैं। कम आ रहे हैं वोल्टेज, बंद हो गई क्या फिर से? देख रहा है, ये इन है, इन हो रहा है, ठीक है। इन तो सही है,
सही से नहीं कट के। ऊपर क्यों नहीं जा रहा ये? चलो चेक करते वोल्टेज प्रॉपर आ नहीं रहा इसमें। ये देखिए 0.95, इस पे दोनों पे एक जैसे वोल्टेज आएंगे, ठीक है। इसके बाद इस पे देखिए 0.8, फिर इस पे देखिए 0.8, फिर इस पे देखिए 1.2, ये लो एलडीओ। इसके बाद के वोल्टेज आपको 2 वोल्ट और दिखना चाहिए जो हायर एचएलडीओ होगा, ठीक है। वो भी देख लेते हैं हम। जी देखिए ये एचएलडीओ है, दिख रहा है, और ये 1.2 लो एलडीओ है, ठीक है। इसके अलावा इन दोनों पे एक ही जैसा वोल्टेज आएगा 0.8, ये एप्लीकेशन कोर वोल्टेज है। इसके बाद यहाँ देखिए आप, यहाँ भी आपका 0.8 आना चाहिए। ये बंद क्यों हो जा रहा, गर्म हो जा रहा है क्या? 0.8, ये भी, ये देखिए 0.91 आ रहा है, ये भी आउट होगा। इसके बाद आपका ये देखिए, ये 0.8, ये मॉडर्म वोल्टेज, ये भी 0.8, और फिर आपका ये 1.2, ये लो एलडीओ। अब ये जितने वोल्टेज हैं, सबसे पहले इनपुट देखिए 3.8 है। इसके बाद ये जितनी बक कॉइलें लगी हुई हैं, ठीक है, तो ये सबसे पहले एपीसी वोल्टेज, इसके अलावा आपका एचएलडीओ निकाल रहा है, लो एलडीओ निकाल रहा है, मॉडर्म वोल्टेज निकाल रहा है, तो ये सब वोल्टेज निकलने चाहिए। इसके अलावा एक चीज और बता दूं कि ये वोल्टेज फिक्स होने चाहिए। अब जैसे ये वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब 1.8, 1.2, 1.5, देखिए एकदम फिक्स है। अगर ये कोई भी वोल्टेज फिक्स नहीं है, ये देखिए फिक्स है, ये लो एलडीओ और ये आपका हाई एलडीओ, सब फिक्स है ये। अब ये कोर वोल्टेज देखिए फिक्स है, अब आपके मॉडर्न वोल्टेज भी है वो भी फिक्स है। सारी कॉइलों पर जितने वोल्टेज आ रहे हैं वो एकदम फिक्स होने चाहिए। अगर ये वोल्टेज फिक्स नहीं है तो कहाँ कहाँ दिक्कत होगी? कॉइल दिक्कत कर सकती है, पावर आईसी दिक्कत कर सकती है। इसके अलावा सीपीयू से एक रेफरेंस वोल्टेज आता है, अगर सीपीयू से रेफरेंस वोल्टेज प्रॉपर नहीं है तो भी ये वोल्टेज क्या होंगे, कोर वगैरह मूव होना चालू हो जाएंगे। तो ये पावर आईसी के ये वोल्टेज जब तक आपको चेक करना नहीं आएगा, झाड़ फूक करने से, मोबाइल खोल देने से, कई इंस्टीट्यूट भोपाल में ऐसे झाड़ फूक पर बहुत भरोसा करते हैं, तो उस तरह की चीजें अपने यहाँ नहीं होती। यही चीज जब वॉर्नियोज के स्केमेटिक डायग्राम से आपको एक एक चीज कराऊंगा, तब ये देखिए सारी कॉइल है। ये तो हमने करी PM439, इसके अलावा भी बहुत सारी आईसी, सैमसंग की आईसी पे करना पड़ेगा, इसके अलावा हमें बहुत सारी यही रखना है और कहीं मत ले जाना है ना। अब हम इस आईसी को इस पर देख लेते हैं कि ये पीएम हमने कौन सी करी अभी, वो आईसी एक्चुअल में उसका नंबर हमें कैसे देखना है। इस पर रखो, एक रबर रखो, लो इसमें सेट करो, इसको दिखाओ, साफ नहीं है क्या? इतना क्या लो हो रही है ये? बंद करिए वाला, इतना जूम क्यों हो रहा है ये? कौन सी है? PM439 दिखा आपको? थोड़ा सा लाइट बढ़ा लो, लाना पेट्रोल, लाना जरा सा पेट्रोल लाओ। PM439, एक मिनट में और क्लियर करता हूं इसको। देखिए ये आपकी PM439। ऐसी हमें जितनी भी आईसियां होती हैं, सारी आईसियों को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, और सारी आईसियों पर जो वोल्टेज है, अगर पावर आईसी है PM439, अगर पावर आईसी के पास वोल्टेजेस नहीं आ रहे हैं तो आउट नहीं हो रहा है। सबसे पहले इनपुट देखिए, इनपुट के लिए कुछ ना कुछ लगा होता है, इनपुट के लिए फिल्टर पे आप चेक कर लीजिए, कंडेंसर जो मैंने अभी बताया था आपको। इसके अलावा पावर आईसी बहुत तरह की होती है, जैसे आपकी पावर आईसी में अगर बात करूं 8940, 8937, 6357, 6358W, PM607, 8125, 6150, 660, सैमसंग की, वीवो की, ओप्पो की, सब की पावर आईसी पर आपको ये प्रॉपर वोल्टेज चेक करना आना चाहिए।
अब कुछ जो आपकी पावर आईसीज होती हैं जिनमें हमें अडाप्टर और बैटरी दोनों लगानी पड़ेगी, कुछ में सिर्फ आप चार्जर कनेक्टर लगा के भी चेक कर सकते हैं। तो ये सारे वोल्टेजेस अगर आपको चेक करने नहीं आते हैं तो आप जीवन में ये मान के चलिए कि सिर्फ 100% रिपेयरिंग आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसको 100% रिपेयर करना है तो वो चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको एक एक चीज अच्छे से क्या आना चाहिए, इसके वोल्टेज और स्केमेटिक वगैरह सब चेक करना आना चाहिए। अगर वो चीज नहीं है तो कुछ भी रिपेयरिंग नहीं होगी। तो ये थी PM39। इसके अलावा मैं जितनी आईसियां आती जाएंगी, जितने सेट्स आते जाएंगे, सबसे पहले हम पावर पे इसी तरह से वीडियो बनाएंगे। पावर का पूरा डिटेल आपको समझाऊंगा, स्कीमेटिक के साथ भी समझाऊंगा, रेफरेंस वोल्टेज क्या है, एलडीओ वोल्टेज, हाई एलडीओ किस लिए, लो एलडीओ किस लिए यूज हो रहा है, कोर वोल्टेज कहाँ यूज हो रहा है, इसके अलावा मेमोरी पे वोल्टेज कौन सा जा रहा है, मेमोरी वोल्टेज क्या है, मॉडर्न वोल्टेज क्या है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहले इनपुट चेक करें जो 4.3 वोल्ट है, वहां से आपको चालू करना है। अगर अब इसी सेक्शन में आप मान के चलिए कि पावर आईसी में अगर आपको शॉर्टिंग महसूस हो रही है, अगर हमें पावर आईसी में शॉर्टिंग मिल रही है तो शॉर्टिंग के केस में हमें क्या करना है, जितने फिल्टर्स लगे हैं मल्टीमीटर को लेके कहाँ रखना है, कंटिन्यूटी पे रखना है इस तरह से, और फिर क्या करना है हमें इसको पूरा सारे जितने कंडेंसर्स है सबको ग्राउंड के साथ क्या करना है, चेक करना है। ये देखिए बीप आना चाहिए, हाँ तेरे फोन से लगा कौन है, फोन काट, पहले फोन तो लगा लिया करो यार, इंक्वायरी नीचे रहती है, देखो क्या नहीं नहीं पहले फोन तो जान दे, अब लगाते हो गए, मीटर बीप क्यों नहीं दे रहा यार, केबल। अब देखिए ये अपन ने लगाया, अब जैसे ये कंडेंसर है इसको इसको लेना पावर को नीचे एकदम, अब इसके आसपास हमें चेक करना है, जैसे इसको चेक किया हमने ये रखा, ये रखा, अब इसको ग्राउंड के साथ मिलाइए, आ रहा है क्या, एक तरफ से बीप आएगी और दूसरी तरफ से बीप नहीं आना चाहिए, ऐसे आप पूरे जितने ही देखिए, ये एक तरफ से बीप दूसरी तरफ से बीप नहीं, एक तरफ से बीप दूसरी तरफ से बीप नहीं, और जितनी कोयले लगी वो किसी भी कंडीशन में बीप नहीं मारना चाहिए, ठीक है। अब जितनी भी कोयले हैं उनको आप ध्यान से चेक करें, वो बीप कभी नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर उनमें बीप आ रही है तो फिर प्रॉब्लम वाली बातें हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये फिल्टर्स एक ही तरफ से बीप मारेंगे, ठीक है। अब इसको आप कभी भी चेक करें तो रेड को ग्राउंड कर लें और इसको ऐसे चेक करें, ये देखिए। अब मल्टीमीटर पे देखिए कि कितना, और दूसरी तरफ से देखिए वैल्यू दे रहा है और एक तरफ से क्या दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अगर अब शॉर्टिंग है तो फिर इस पूरे एरिया को चेक करना, और जो पावर आईसी है इसके पास आपको इस तरह से ये बक कॉइल है क्या होंगी, दिखेंगी, ठीक है। तो ये बक कॉइलों को अच्छे से क्या होना चाहिए, देखना समझना आना चाहिए, चेक करना आना चाहिए। ये क्रिस्टल लगा हुआ है, जो क्रिस्टल आपको दिख रहा होगा, तो ये आपकी सारी जितनी है सब कॉइल है, दिख रही है, ये सब कॉइल है, बक कॉइल है, ठीक। ये सब क्या है, ये बक कॉइल, ये बक कॉइल, ये आपकी बक कॉइल है, ठीक है, ये आपकी बक कॉइल है। तो इस तरह से आपको पूरा चेक करना आना चाहिए, नहीं फिर गंदी होगी, दिखना बंद। तो इसको थोड़ा सा पेट्रोल डालेंगे तो ये दिखना चालू हो जाती है, ठीक। तो ये आपका इस तरह से पावर आईसी पर वीडियो था। कोर्सेज के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क, सीसीएनए, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, जो भी आपको सीखना वो कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे पावर आईसीज आएंगी अलग अलग पावर आईसीज पर वीडियो बनाएंगे, और इसके बाद सारी जितने और आईसीज हैं, जैसे आपका MMC है, नेटवर्क आईसी है, सारी कुछ आईसीयां पहचान में नहीं आती तो वो मैं स्कीमेटिक के थ्रू पूरा कैसे पहचानना वो सारी चीज क्लियर करूंगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।